नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर नेट क्लब में कैसे रजिस्ट्रेशन करें उसके लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है गाइस, तो फ्यूचर नेट क्लब में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यह जो लिंक है आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है अपने ब्राउजर में। ठीक है, globaladpro.futurenet.club/futureadpro। ठीक है, तो इस लिंक से आपको ज्वाइनिंग करनी है जो कि मेरी ग्लोबल इंटरनेशनल फ्यूचर नेट क्लब की टीम है उसके अंदर। तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए लिंक ऑलरेडी दिया गया है, कृपया करके इसको कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। और उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉरम है, एक यह जो फॉरम है ये आपको भरना है, जो भी इन द फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट नेम आपको डालना है, उसके बाद लास्ट नेम आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद ईमेल आईडी रिपीट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर यूज़र नेम कोई भी चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड, अगेन रिपीट पासवर्ड, मेल फीमेल, फिर उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करना है और इस सिक्योरिटी चेक पे क्लिक करना है और फिर रजिस्ट्रेशन पे। इस तरह से आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और उसके बाद आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक लिंक मिलेगा, उसके बाद लिंक को आप वेरीफाई कीजिए और फिर आपको ये जो आईडी, इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर नेट क्लब में जो आपका ओरिजिनल नेम है, जैसा कि आपका आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी या आईडी प्रूफ है, वही ओरिजिनल नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी अपलोड भी करनी है आपको। क्योंकि यह एक जेन्युइन सिस्टम है तो यहाँ पर आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर नेट क्लब में आईडी को टॉपअप कैसे करना। राइट साइड में आप बैक ऑफिस में क्लिक कीजिए, जैसे कि आप देख रहे हैं डॉलर्स का चिन्ह है। जैसे आप बैक ऑफिस के ऊपर क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी। इस विंडो में आपको बैक ऑफिस में सेलेक्ट करना है कि आपको फ्यूचर नेट क्लब के जो प्लान है उनमें से किस में करना है। फ्यूचर एड प्रो, फ्यूचर नेटवर्क, फर्स्ट है फ्यूचर नेट, सेकेंड फ्यूचर एड प्रो, थर्ड है फ्यूचर नेटवर्क, जो कि फ्यूचर कॉइन के लिए है, अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, 1 फरवरी को। फर्स्ट है फ्यूचर नेट, तो सबसे पहले आपको फ्यूचर नेट क्लब की जो मैट्रिक्स प्लान है 3x3x10th लेवल, वो है फर्स्ट फ्यूचर नेट के ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस। ठीक है, और सेकंड फ्यूचर एड प्रो है, थर्ड है फ्यूचर नेटवर्क जो कि फ्यूचर कॉइन से संबंधित है। तो फर्स्ट में फ्यूचर नेट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे, उसके ऊपर आपको पैकेज दिखाई देंगे 10, 25, 50, 100, 500 और 1000 डॉलर का। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है जिस जो भी पैकेज आप बाई करना चाहते हैं वो। तो मैं यहाँ पर जो पैकेज बाई करना चाहता हूँ वो $100 से बाई करना चाहता हूँ, यानी कि 10, 25, 50 और 100, टोटल $185। तो $185 के पैकेज में 4 मैट्रिक्स में मेरी आईडी जो है वो रिप्लेस करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप डॉट पे, वीज़ा, सोफोर, बैंक ट्रांसफ़र और ये इनके पेमेंट गेट पर प्रोसेस है। बिटकॉइन, लिटकॉइन, इथेरियम डैश कॉइन, बिटकॉइन कैश का हाल ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और परफेक्ट मनी, नेटलर, टू पे फॉर यू, ओके पे, नीचे आप देख रहे हैं, और सबसे लास्ट में फ्यूचर नेट पेमेंट्स। ठीक है गाइस, तो लिटकॉइन से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, इथेरियम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, डैश कॉइन से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन कैश जो हाल ही में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आप जैसे कि देख रहे हैं परफेक्ट मनी, नेटलर, टू पे फॉर यू और ये सब है, और लास्ट में फ्यूचर नेट कोड। जब आपके पास फ्यूचर नेट में डॉलर्स आ जाएंगे तो आप उन डॉलर्स से भी आईडी टॉपअप कर सकते हो। ठीक है गाइज, जब आपकी टीम क्रिएट हो जाएगी और आपके पास सफिशेंट बैलेंस आ जाएगा। तो उससे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे कि फ्यूचर नेट क्लब में जो मैट्रिक्स प्लान है 3x3 का 10th लेवल तक, उसमें हम बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि बिटकॉइन से जो पेमेंट का प्रोसेस है वो कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगिन करना है, राइट साइड में बैक ऑफिस पे क्लिक करना है, उसमें फ्यूचर नेट क्लब पे क्लिक करना है, उसके बाद ये पेमेंट गेटवे आपको चूज करना है, बिटकॉइन। ठीक है, तो बिटकॉइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी, तो उसमें क्या क्या करना है आपको वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, और जो बिटकॉइन का जो प्रोसेस है, जैसे आप क्लिक किया तो यह मैसेज आपको देखने को मिलेगा कि जो भी प्रोसेस है वो बिटबे के थ्रू हो रहा है आपका। ठीक है, यू चूज बिटबे एज योर पेमेंट मेथड, यू मस्ट सेंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ बिटकॉइन, इफ़ इट विल बी मोर द ट्रांजेक्शन विल गो सक्सेसफुली थ्रू द सिस्टम टू। अगर आपका
अमाउंट सही रहेगा तो ट्रांजैक्शन हो जाएगा इसमें बहुत ही जल्दी, और लेस होगा तो ट्रांजैक्शन होने में प्रॉब्लम होगी, टाइम लेगा। तो प्लीज़ डू नॉट क्लोज द विंडो आफ्टर पेमेंट प्रोसेस फॉर अप टू 10 मिनट, और 20 मिनट तक आपको इस विंडो को क्लोज नहीं करना है। इफ़ योर पेमेंट इज़ नॉट बींग बुकड इन अवर सिस्टम यू नीड टू कॉन्टैक्ट बिटबे नेट कस्टमर सपोर्ट सर्विस। ओके, जो भी आपका जो पेमेंट प्रोसेस है यहाँ से बिटबे के थ्रू हो रहा है, बिटबे के थ्रू जो कि क्या है कि कॉइन एक्सचेंज कॉइन बेस की तरह एक वॉलेट है बिटबे बिटकॉइन का, तो जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होगा वो बिटबे के वॉलेट के थ्रू हो रहा है यहाँ पे। तो कृपया करके जितना भी BTC अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है वो एग्जैक्ट अमाउंट में आप सेंड कीजिए, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे। अगर BTC कम सेंड किया है आपने तो आपकी ID एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम नहीं करना। तो ओके के ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस, ठीक है। जैसे ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक नई विंडो ओपन होगी, उस विंडो में आपको एग्जैक्ट अमाउंट दिखाया जाएगा एज पर बिटकॉइन का जो रेट ऊपर नीचे होता रहता है उसके हिसाब से। सेंटर में आप देख रहे हैं दोस्तों ये बिटकॉइन एड्रेस है, लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं $185 की, जैसे कि 4 मैट्रिक्स में पोजिशन प्लेस हो रही है इस आई डी पर, 10, 25, 50 और 100, ठीक है। तो आपको 0.0162 BTC आपके ब्लॉकचेन वॉलेट से सेंड करना है आपको, ठीक है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, 0.0162 एट प्रेजेंट $188.7 के आसपास हो रहा है, $185 की जो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतनी अमाउंट जो इसने दे रखी है वो आपको सेंड करनी है, और जो एड्रेस है बिटकॉइन पेमेंट का एड्रेस जो है, इस एड्रेस के ऊपर आपको $185 सेंड करने हैं, ठीक है। जो नीचे देख रहे हैं आप, मेक ए पेमेंट फ्रॉम यूर बिटबे अकाउंट, और अगर आपके पास बिटबे का अकाउंट है बिटकॉइन का तो वहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप अपने बिटकॉइन वॉलेट आपका ब्लॉकचेन पे जेप पे यूनोकॉइन पे, वहाँ से भी आप इस बिटकॉइन का जो एड्रेस है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। दोस्तों जैसा कि आप पेमेंट कर चुके हैं $185 से, जैसे अभी पेमेंट किया है, उसके बाद से आपको ID कैसे चेक करनी है, 20 मिनट तक आपको उस पेज के ऊपर रहना है। उसके बाद आपको ID टॉपअप कैसे पता करना है कि आपकी ID टॉपअप हो चुकी है फ्यूचर नेट एड प्रो में जो मैट्रिक्स प्लान है उसके अंदर, ठीक है गाइस। तो ID टॉपअप हो चुकी है उसको कंफर्म करने के लिए आपको फ्यूचर नेट क्लब पे जैसे आपने लॉगिन किया, उसके बाद राइट साइड में बैक ऑफिस में क्लिक किया डॉलर्स के जो चेन है इसके ऊपर, और उसके बाद अगेन जो इसके 3 प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, फ्यूचर नेट एड प्रो और फ्यूचरो नेटवर्क, ठीक है। तो हमने फ्यूचर नेट में अभी ID टॉपअप की है 10, 25, 50 और 100, यानी कि $185 अपनी जो मैट्रिक्स है वो 4 पोजीशन पे आपकी प्लेस हो गई है, $10 पे हो गई है, 1 25 पे हो गई, 1 50 पे और 100 पे। कोई भी आपके डाउनलाइन में 10 की मैट्रिक्स ज्वाइन करेगा या 25 की या 50 का या 100 का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलेगा, आपकी जो इनकम है वो मिलेगी। और क्या इनकम मिलेगी उसके लिए जो मेरा यूट्यूब का जो वीडियो है फ्यूचर नेट एड प्रो का हाउ टू बाई मैट्रिक्स पैक, वो आप देख लीजिए, तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपको किस तरह का बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको फ्यूचर नेट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो पैकेज हैं ये ओपन हो जाएंगे इसके, ठीक है। जैसे ही ये पैकेज ओपन हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10, 25, 50 का ऑलरेडी हो चुका है, 100 का भी हो चुका है, अभी इसमें 500 और 1000 दो पैकेज बच गए हैं जिनके ऊपर अपग्रेड लिखा हुआ है नीचे फ्यूचर एड प्रो बैक ऑफिस, ठीक है। तो अभी दो पैकेज बच चुके हैं, 4 पैकेज आपके अपग्रेड हो चुके हैं, और जो भी टीम आपके नीचे बनेगी अगर $10 से आएगा कोई ज्वाइन करने के लिए तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा चारों ID पर, ठीक है, 25 से 50 से और रेस्पेक्टिवली 100 से। तो किस तरह का मिलेगा वो आपको चेक करना है, ठीक है गाइस। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।